हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज मैं आपको बताऊंगा जो आपका क्लास 10 सामाजिक विज्ञान है इसका 15 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पहला प्रश्न आप लोग देखो, पहला ही प्रश्न आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देख सकते हो। ठीक है, और इसको मैंने पढ़ाया भी है ऑलरेडी, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूं और इसको नोट कर लेना है। ठीक है, लिखा हुआ है जर्मनी के एकीकरण, जो जर्मनी का एकीकरण हुआ था, ठीक है, जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण जो आपका योगदान किसका था, सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था, और जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट कौन घोषित किया गया। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहले ही चैप्टर का, मैं आपको कहता हूं कि ये बोर्ड एग्जाम में आएगा क्योंकि ये आपका अति लघु उत्तरीय में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहां अब आप लोग इसका आंसर कैसे लिखोगे, सबसे पहले आपको ये समझना है कि जर्मनी के एकीकरण में जो ऑटो वॉन बिस्मार्क है, नाम आप ध्यान याद रखना, ठीक है, ध्यान से, कि ऑटो वॉन बिस्मार्क का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था, किसका था, ऑटो वॉन बिस्मार्क जो था उसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान था, और प्रसा के राजा जो विलियम प्रथम है, प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट घोषित किया गया। ठीक है, तो इतना आप याद रखना, यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण में जो ऑटो वॉन बिस्मार्क का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था और प्रसा के जो राजा थे विलियम प्रथम, उन्हें जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट घोषित किया गया। तो ये पहला क्वेश्चन है अति लघु उत्तरीय में, आई होप कि आपको याद हो जाएगा बहुत आसान तरीके से। ठीक है, यहां आप लोग दूसरा क्वेश्चन देखो, ये भी बोर्ड एग्जाम के लिए वीआईएमपी है, तो आप लोग याद करके ही जाना बोर्ड परीक्षा में। लिखा हुआ है कि रॉलेट एक्ट क्या था। ठीक है, रॉलेट एक्ट का आप लोगों ने नाम सुना होगा, मैंने पढ़ाया भी है, तो रॉलेट एक्ट क्या था ये आपको बताना है। तो रॉलेट एक्ट जो है एक कानून था जो कि भारतीयों पर लगाया गया था। ओके, तो इसको मैं आपको समझाता हूं बहुत आसान तरीके से। सबसे पहले आपको यह समझना है कि रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी कब की बात है, सॉरी, हाँ, 1919 ईस्वी में पारित एक ऐसा कानून था। ये एक कानून है जो कि 1919 ईस्वी में पारित किया गया था, जिसमें भारतीयों पर किसी तरह के मुकदमे को चलाए बिना, मतलब जो भारतीय लोग थे उस पर कोई भी मुकदमा चलाए बिना, कोई मुकदमा नहीं चलाया जाता था, ठीक है, चलाए बिना शंका के आधार पर गिरफ्तार कर 2 साल तक जेल में बंद कर दिया जाता था या बंद किया जा सकता था। देखो, ये भारतीयों के लिए बहुत गड़बड़ कानून था। ठीक है, क्योंकि देखो, गलती हो या ना हो, केवल शंका के आधार पर गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया जाता था। ठीक है, तो ये आपको समझना है कि ये आपको ध्यान से समझना है, बहुत आसान है, कि रॉलेट एक्ट जो था 1919 ईस्वी में पारित एक ऐसा कानून था जिसमें भारतीयों पर किसी तरह की मुकदमे को चलाए बिना, कोई भी मुकदमा नहीं चलता था कि मुकदमे को चलाया जाए और जिसकी जीत हो वही आपका सही रहेगा, लेकिन नहीं, किसी तरह के मुकदमे को चलाए बिना शंका के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था और 2 साल तक जेल में बंद किया जा सकता था। ठीक है, इसे याद कर लेना, नोट कर लेना। ठीक है, ये सारे आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट्स बना लो, इसे आप बार बार रिवीजन करते रहो। ठीक है, ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग देखो, ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिखा क्या है ये समझो, असहयोग आंदोलन कब और क्यों वापस लिया गया, जो असहयोग आंदोलन है उसे क्यों और कब वापस लिया गया ये बताना है। सबसे पहले आपको क्यों वापस लिया गया ये भी पता होना चाहिए और कब वापस लिया गया। सबसे पहले ये समझो कि असहयोग आंदोलन जो है 1922 ईस्वी में, कब, 1922 ईस्वी में चौरी चौरा की घटना के कारण वापस लिया गया, ये घटना याद रखना, चौरी चौरा की घटना। ठीक है, और कब वापस लिया गया, 1922 ईस्वी में। ठीक है, याद रहेगा, तो असहयोग आंदोलन आपका 1922 ईस्वी में आपका वापस लिया गया और घटना कौन सी है, चौरी चौरा की घटना के कारण जो असहयोग आंदोलन है उसे वापस लिया गया था। ओके, तो याद कर लो आप ये सारे क्वेश्चंस, जितना मैंने बता दिया है ये सारे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग याद करके ही बोर्ड एग्जाम में जाना। ठीक है, चलो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग समझो यहां कि आपका भूमंडलीकरण या फिर वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है। ठीक है, जो भूमंडलीकरण होता है या फिर इसे वैश्वीकरण कहा जा सकता है, इससे क्या तात्पर्य है। तो यहां आपको यह समझना है कि एक देश की अर्थव्यवस्था, जैसे एक देश की अर्थव्यवस्था होती है को दूसरे देश की अर्थव्यवस्था,
ठीक है, एक देश की अर्थव्यवस्था को दूसरे देश की अर्थव्यवस्था तथा संपूर्ण विश्व के विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था, मतलब संपूर्ण देश के जो आपका संपूर्ण विश्व के विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था का एक दूसरे से विभिन्न क्षेत्रों के माध्यम से जुड़ा होना ही भूमंडलीकरण या फिर वैश्वीकरण कहलाता है। ठीक है, मतलब कहने का अर्थ है कि एक देश की चाहे अर्थव्यवस्था हो या फिर दूसरे देश की अर्थव्यवस्था या फिर पूरे संपूर्ण विश्व के विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था को एक दूसरे से विभिन्न क्षेत्रों के माध्यम से जुड़ा होना ही क्या कहलाता है? भूमंडलीकरण कहलाता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपको याद करके ही जाना है। ठीक है, तो ये हमारा है भूमंडलीकरण, और आई होप कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है और आप लोग इसे नोट कर लेना और आप लोग बार बार इस क्वेश्चन का रिवीजन भी करते रहना। ठीक है, यहां हम लोग देखेंगे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, यहां आप लोगों को मैं लिख कर समझाऊंगा। ठीक है, यहां आप लोग ध्यान से समझना। यहां सबसे पहले ये सोचो कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि भारत में कौन कौन सी मृदाएं पाई जाती हैं, जो मिट्टियां होती हैं वो कौन कौन सी पाई जाती हैं भारत में। ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा, ठीक है, नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बताऊंगा। तो भारत में कौन कौन सी मृदाएं पाई जाती हैं, तो भारत में मैं आपको बता दूं, यहां मैं आपको कुछ मृदाएं बता देता हूं, वही मृदाएं भारत में पाई जाती हैं भारत में। ठीक है, भारत में जो जलोढ़ मृदा है, आई होप कि आपको ये सारी मृदाएं पता होगा, मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है जलोढ़ मृदा। ठीक है, तो भारत में जलोढ़ मृदा भी पाई जाती है, काली मृदा भी पाई जाती है। ठीक है, काली मृदा एंड आपका जैसे लाल व पीली मृदा। ठीक है, देखो लाल व पीली मृदा एक ही मृदा है। ठीक है, जब इसका रंग पीला हो जाता है तो इसे पीली मृदा कहा जाता है, लाल रहता है तो लाल मृदा। ठीक है, एक ही मृदा है तो लाल व पीली मृदा। एंड आप लोगों को पता होगा लेटराइट मृदा, लेटराइट मृदा। ठीक है, ये हमारा लेटराइट मृदा है। और कहीं कहीं जो आपका मरुस्थल क्षेत्र होता है ना, जो मरुस्थलीय क्षेत्र होता है, वहां मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। कौन सी मृदा पाई जाती है? मरुस्थली मृदा। और एक मृदा लिख लेना, जैसे जहां झाड़ियां होते हैं, वन होते हैं, वहां वन मृदा पाई जाती है। कौन सी मृदा पाई जाती है? वन मृदा। तो ये सारी मृदाएं आप मतलब भारत में पाई जाती हैं, पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये सारी मृदाएं कहां पाई जाती हैं? भारत में पाई जाती हैं। जैसे आपके जलोढ़ मृदा, आप लोगों को पता होगा, काली मृदा, ठीक है, लाल व पीली मृदा, लेटराइट मृदा, मरुस्थली मृदा एंड वन मृदा। ठीक है, पाई जाती है। ठीक है, यहां आप लोग लिख लेना कि ये सारी मृदाएं भारत में पाई जाती हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद करके जाना, ये सारे सामाजिक विज्ञान का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हमारा हो गया कि भारत में कौन कौन सी मृदाएं पाई जाती हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखो, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का एक बहुत ज्यादा वीआईएमपी क्वेश्चन है। ठीक है, लिखा हुआ है जो जैव और अजैव संसाधन होता है, कौन सा संसाधन? यहां आप ध्यान से समझो, एक होता है जैव संसाधन। ठीक है, कौन सा जैव संसाधन? एक अजैव संसाधन क्या होते हैं, मतलब जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं, कुछ उदाहरण दीजिए, उदाहरण देकर समझाना है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा जैव और अजैव संसाधन की परिभाषा और उदाहरण। तो नाम आप लोग देखो, एक का नाम है जैव संसाधन, एक का नाम है अजैव संसाधन। जैव संसाधन जो होते हैं, आई होप कि आपको पता होगा कि जिसमें जीव होते हैं, जिसमें जीवन व्याप्त होता है। ठीक है, यहां मैंने लिखा भी है कि वे संसाधन जिनकी प्राप्ति जीव मंडल से होती है, कि वे संसाधन जिनकी प्राप्ति जीव मंडल से होती है और जिसमें जीवन व्याप्त होता है, क्या व्याप्त होता है? जीवन व्याप्त होता है, जैव संसाधन कहलाते हैं। ये आपके जैव संसाधन कहलाते हैं। ध्यान से समझो कि वे संसाधन जिनकी प्राप्ति जीव मंडल से होती है और जिनमें जीवन व्याप्त होता है, वे आपके जैव संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं? जैव संसाधन कहलाते हैं। और एग्जांपल की अगर बात की जाए जैव संसाधन का, तो आप लोग लिख सकते हो मनुष्य, तो आप जानते ही हो कि मनुष्य जीवन व्याप्त करता है। ठीक है, और इनकी प्राप्ति जीव मंडल से होती है, और बहुत सारे हैं, जैसे आपके मनुष्य हो गए, और आप लोग लिख सकते हो वनस्पति जगत, क्या लिख सकते हो? वनस्पति जगत, जो आपके वनस्पति जगत होते हैं। और आप लोग लिख सकते हो जैसे आपका प्राणी जगत है,
प्राणी जगत, और जैसे आपका पशु है, पशुधन, ठीक है, पशुधन आदि, तो इतना अगर आप याद रखते हो तो बहुत है, ठीक है। जैव संसाधन के बारे में मैंने मनुष्य बता दिया, आपके वनस्पति जगत, प्राणी जगत में जैसे बहुत सारे आते हैं, कुत्ता बिल्ली, ठीक है, सारे पशुधन, तो ये सारे आपके क्या हैं, ये सारे आपके जैव संसाधन है, ठीक है, ये सारे आपके क्या है, जैव संसाधन। अब अजैव संसाधन क्या होता है ये भी समझ लो। अजैव संसाधन का मतलब होता है कि वे सारे संसाधन जो निर्जीव होते हैं, ये मेन पॉइंट है कि वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं, निर्जीव होते हैं, जिस स्थान पर रहेंगे उसी स्थान पर रह जाएंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते, पाचन श्वसन उत्सर्जन नहीं होता है, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, वही आपका अजैव संसाधन कहलाता है। जैसे आप लोग लिख सकते हो अजैव संसाधन, जैसे आप लोग लिख सकते हो चट्टाने, चट्टाने भाई आपका निर्जीव है, ठीक है, चट्टाने लिख दो, मैं बहुत इजी बता रहा हूं आपके लैंग्वेज में। और आप लोग लिख सकते हो धातुएं, धातुएं भी आपका है, तो ये सारे आपके जैव और अजैव संसाधन है, जैव और अजैव संसाधन, ये दोनों आप याद करके जाना, इन दोनों में आपका एक ना एक हो सकता है आ जाए, या फिर दोनों साथ में आ जाए, इंपॉर्टेंट है। तो जैव और अजैव संसाधन, आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 6 तक समझ में आ गया, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग देखो क्या पूछ रहा है, यहां लिखा हुआ है कि भारत की चार रबी फसल, जैसे जो भारत की चार रबी और चार खरीफ फसलों के नाम बताइए। देखो एक होता है रबी फसल, एक होता है खरीफ फसल, ये दोनों अलग अलग फसलें हैं, और ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि भारत की चार रवि फसलें और चार खरीफ फसलों के नाम बताइए, ठीक है। इसी में से आपके ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, निम्नलिखित में से रवि फसल है, निम्नलिखित में से खरीफ फसल है, आपके ऑप्शंस दे देंगे, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद करके ही जाना, क्योंकि आपका अति लघु उत्तरीय भी यहां से आता है और ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा यहां से बनते हैं, ठीक है। यहां आप लोग देखो कि पहले मैं आपको बताऊंगा भारत की चार रवि फसलें, भारत की चार रवि फसलें, तो जैसे आपका गेहूं है, गेहूं आपकी रवि फसल है, याद रखना गेहूं रवि फसल है तो चावल आपका खरीफ फसल है, इतना याद रखना, उल्टा दोनों याद रखना, गेहूं जो आपका है रवि फसल है और चावल जो है आपका खरीफ फसल है, ठीक है। याद करने का ट्रिक देखो, यहां से रा एक अक्षर है, वी एक अक्षर, यहां से गे एक अक्षर, हूं एक अक्षर, यानी कि दो अक्षर, यानी कि रवि तो आपका गेहूं दो है, यहां आपका खरीफ खा और री और फा तीन है, तो चा औवा औला चावल, तो तीन है, तो रवि आपको क्या होगा गेहूं होगा, खरीफ क्या होगा चावल होगा, तो ये एक एक याद रखना है, ठीक है। तो रवि फसलें जैसे आपका गेहूं है, मटर है, चना है, सरसों है, ये सारे आपके क्या है रवि फसलें हैं, ठीक है। तथा आपकी खरीफ फसलों में आपका चावल है, मक्का है, ज्वार है, कपास है, जूट है, मूंगफली है आदि प्रमुख है। तो यहां आप एक तो याद ही रख सकते हो, गेहूं आपका रवि फसल है और चावल आपका खरीफ फसल है, ठीक है। तो ये तो मेन है, मेन पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं, और आपको चार चार पूछा जाए तो ये सारे याद रखना, जैसे आपके रवि फसल है गेहूं, मटर, चना, सरसों, ठीक है, ये आपके चार हो गए। और खरीफ फसलों में जैसे चावल है, मक्का है, ज्वार है, कपास है, जूट है, मूंगफली, ये सारे आपके खरीफ फसलें हैं, तो आपको याद रखना है रवि फसलें और खरीफ फसलें, ठीक है, ये दोनों आपको बिल्कुल क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 भी आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पूछ रहा है कि गहन खेती की दो विशेषताएं लिखिए। गहन खेती का मतलब होता है बहुत अच्छी खेती, ठीक है। तो गहन खेती की आपको दो विशेषताएं लिखना है, तो सबसे पहले लिखना कि गहन कृषि की दो विशेषताएं निम्नलिखित है, ये जरूर लिख देना कि यहां से आपको ये पता चल जाए कि जैसे जो गहन खेती की पहली विशेषता है, ठीक है, जैसे अधिक उत्पादन के लिए, अगर आपको अधिक उत्पादन करना है तो अधिक मात्रा में रासायनिक खाद और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। अगर आपको अधिक उत्पादन करना है तो उसमें अच्छी तरह से, ठीक है, रासायनिक खाद का प्रयोग करना पड़ेगा और अच्छी तरह से सिंचाई का भी प्रयोग करना पड़ेगा, तभी मतलब ज्यादा उत्पादन होगा। तो ये मेन पॉइंट है गहन खेती के लिए, अगर आपको गहन खेती करना है, अच्छे से खेती करना है, ज्यादा उत्पादन करना है, तो यहां सीधा लिख दिया गया है कि अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में रासायनिक खाद और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, याद हो गया। दूसरा देखो, दूसरा यहां कह रहा है कि भूमि का आकार छोटा होने के कारण, गहन खेती में क्या होता है, जैसे भूमि का आकार छोटा होता है, जो छोटे किसान होते हैं उनके पास कम खेत होता है,
ठीक है, बहुत कम खेत होता है, तो छोटे जो किसान होते हैं, जैसे भूमि का आकार छोटा होने के कारण भूमि पर कई कई फसलें उगाई जाती हैं, जैसे भूमि पर कई प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, जैसे आप लोग देखते हो देहात में भी जहां छोटा खेत होता है वहां थोड़ा सा कुछ और बुआई कर देते हैं, फिर दूसरा फिर तीसरा, ठीक है, ताकि वहां से सब्जी ले सकें, खा सकें, ठीक है। तो वही यहां कहा गया है कि गहन खेती करना है तो भाई अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में खनिज, जो आपका रासायनिक खाद और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है, और भूमि का आकार छोटा होने के कारण भूमि पर कई कई फसलें उगाई जाती हैं। यह है गहन खेती की दो वेरी इंपॉर्टेंट विशेषता जो आपको याद कर लेना है, रोपण कृषि की भी याद कर लेना, ठीक है, और ये सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो आप लोग याद करके ही जाना, ठीक है। यहां आप लोगों के लिए एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, जो कि आप लोगों को याद कर लेना चाहिए क्योंकि यहां से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। लिखा हुआ है कि ऊर्जा के परंपरागत स्रोत किसे कहते हैं, जो ऊर्जा के परंपरागत स्रोत होते हैं क्या होता है या किसे कहते हैं। भारत में खनिज तेल के दो क्षेत्रों के नाम दीजिए या फिर लिखिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यह समझना है आखिर ऊर्जा के परंपरागत स्रोत किसे कहते हैं, ठीक है। तो यहां मैं आपको समझा देता हूं कि जो ऊर्जा के वे स्रोत, ऊर्जा के वे स्रोत जिनका उपयोग प्राचीन काल से किया जा रहा है, प्राचीन काल मतलब होता है पुराने काल से, पुराने समय से, ठीक है। तो ऊर्जा के वे स्रोत जिनका उपयोग पुराने यानी कि प्राचीन काल से किया जा रहा है और ऊर्जा के परंपरागत स्रोत कहलाते हैं, ऊर्जा के ये सारे परंपरागत स्रोत कहलाते हैं, ठीक है। जैसे आपके इन स्रोतों में लकड़ी बहुत पुरानी चीज है जिनका उपयोग किया जाता था खाना बनाने में, अब तो नई नई तकनीक आने लगी है लेकिन पहले लकड़ी से ही खाना बनता था और इसका खाना स्वादिष्ट भी होता था। कोयला जो कि है, आप लोग देख सकते हो ये सब प्राचीन काल से है। पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तथा विद्युत आदि सम्मिलित हैं, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, ये सारे क्या है, प्राचीन काल से है, ठीक है। यही तो आपकी ऊर्जा के परंपरागत स्रोत कहलाते हैं। और यहाँ एक क्वेश्चन और इसमें जुड़ा हुआ है कि भारत में जो खनिज तेल है उनके दो क्षेत्रों के नाम दीजिए, दो क्षेत्रों का नाम आपको बताना है। तो यहां आप डालना कि भारत में जो मुंबई हाई है, ठीक है, मुंबई हाई, गुजरात और असम प्रमुख खनिज तेल क्षेत्र हैं, ठीक है, गुजरात और असम जो है प्रमुख खनिज तेल क्षेत्र हैं, ये याद रखना। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है कि ऊर्जा जो है, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत किसे कहते हैं और भारत में खनिज तेल के दो क्षेत्रों के नाम दीजिए, तो ये आपके हैं। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर टेन, आप लोग ध्यान से समझो। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे क्या कह रहा है कि सड़क परिवहन के कोई 3 लाभ लिखिए। जैसे आप लोग सड़कों पर दिन भर चलते होंगे, साइकिल चलाते होंगे, गाड़ियां चलाते होंगे, लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि सड़क परिवहन के 3 लाभ बताइए, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है और डेली आप काम भी करते हो सड़कों पर, तो फिर आप क्या बताओगे। तो यहां मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं कि विश्व जो है, भारत विश्व के सर्वाधिक सड़क जाल वाले देशों में से एक है। सड़क जाल मतलब बहुत सारी सड़कें हैं। सड़क परिवहन की 3 जो प्रमुख गुण निम्नलिखित हैं। फर्स्ट नंबर आप देखो, जो कि पहला गुण है कि सड़क जो है, सड़क परिवहन अन्य परिवहन साधनों के उपयोग में एक कड़ी के रूप में भी कार्य करता है। जैसे सड़कें हैं, रेलवे हैं और आपका और बहुत सारे साधन हैं, तो फिर जो सड़क वाले साधन होते हैं वो आपका एक क्या करता है, कड़ी के रूप का कार्य करता है, जो हमारी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सड़क परिवहन अन्य परिवहन के साधनों के उपयोग में एक कड़ी के रूप में कार्य करता है, ठीक है। यहां दूसरा पॉइंट समझो कि सड़कों का निर्माण जो है लागत कम होती है। जैसे अगर आप सड़कों का निर्माण करना चाहते हो तो उसकी जो लागत है उसमें कम पैसे लगते हैं, कम लागत में भी सड़कों का निर्माण हो जाता है। और यह ऊबड़ खाबड़ भूभागों पर भी बनाई जा सकती है, जो सड़क है उसको ऊबड़ खाबड़ भूभागों पर भी बनाई जा सकती है, ऐसा जरूरी नहीं है कि समतल होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सड़क का गुण, ठीक है, सड़क के लाभ, सड़क के गुण। तो ये हमारा दूसरा हो चुका है। तीसरा देखो, यह घर घर सेवाएं उपलब्ध करवाता है। सड़क जो होता है घर घर सेवाएं उपलब्ध कराता है तथा सामान चढ़ाने व उतारने की लागत अपेक्षाकृत कम है। जो सामान लादने या फिर उतारने का जो किराया है, लागत है, वो बहुत कम है, ठीक है। और अगर आप वायुयान यानी कि आप हेलीकॉप्टर से जाओ तो फिर उसमें काफी ज्यादा पैसे लगेंगे, ठीक है। तो सड़क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सड़क के द्वारा हम छोटे छोटे काम भी करते हैं, ठीक है, कहीं आना जाना है तो सड़कों के द्वारा जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 गुण आपको सड़क परिवहन का, ये वे आईएमपी है, याद करके जाना और ये आप लोग गुण याद कर लेना, ठीक है।
यहां अगला देखो क्वेश्चन नंबर 11 लिखा हुआ है, लोकतंत्र जो भारतीय लोकतंत्र की आपको तीन विशेषताएं बताना है या तीन विशेषताएं लिखिए, किसका, भारतीय लोकतंत्र का, भारतीय लोकतंत्र जो भारत का लोकतंत्र है उनकी तीन विशेषताएं आपको बताना है। तो फिर हम लोग एक एक को देखेंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये लिख देना कि भारतीय लोकतंत्र की तीन प्रमुख विशेषताएं निम्न प्रकार से हैं, निम्न प्रकार से हैं। जैसे पहली विशेषता अगर बताया जाए तो सरकार का निर्माण जन निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा होता है। जो सरकार का निर्माण है जन निर्वाचित यानी कि जन मतलब जनता के द्वारा किया जाता है, ठीक है, और वे लोगों के प्रति उत्तरदायी भी होती है। और जो सरकार बनता है वो लोगों के प्रति उत्तरदायी होता है, मतलब जनता अगर जो कहे उसे करने के लिए उत्तरदायी भी होता है, ठीक है। दूसरा है राजनीतिक सत्ता की प्राप्ति के लिए एक से अधिक दलों के मध्य प्रतिस्पर्धा होती है, एक से अधिक दलों के बीच प्रतिस्पर्धा होती है। जब हमें राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना है, मुख्यमंत्री बनना है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, एक से अधिक दलों के बीच प्रतिस्पर्धा होती है, जो जीतता है वही बादशाह हो जाता है, ठीक है, वही मुख्यमंत्री हो जाता है, वही प्रधान हो जाता है, प्रधानमंत्री हो जाता है, ठीक है। यहां देखो चुनाव सार्वभौमिक वश्यक मताधिकार के आधार पर समय समय पर होता रहता है, मतलब ये जो है चुनाव जो है समय समय पर कराया जाता है, ऐसा नहीं कि आपका लगातार चुनाव हो या फिर बहुत वर्षों के बाद हो, समय समय पर कराया जाता है, ठीक है। तो ये आपको तीन जो है भारतीय लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं याद रखना है, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तीनों आप याद कर लो, यहां से आपके बोर्ड एग्जाम में 100% क्वेश्चंस बहुत सारे आएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। ये सारे क्वेश्चंस आप 100% लिख लो कि आएगा और याद करके जाना, ठीक है। जैसा आप देख सकते हो पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा के लिए, और ये आपको कंप्लीट करके ही बोर्ड परीक्षा में जाना है। लिखा हुआ है कि जो आपकी 1789 की फ्रांसीसी क्रांति हुई थी वह फ्रांस व यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा। जैसे जो 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी उससे फ्रांस जो है फ्रांस और यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा, यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहां उत्तर है कि 1789 में फ्रांस में जो क्रांति हुई उसके फ्रांस व यूरोप पर निम्नलिखित व्यापक प्रभाव पड़ा। बहुत ज्यादा प्रभाव पड़े, मैं आपको एक एक प्रभाव को बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा जो फ्रांस में प्रभाव पड़ा था, ठीक है, फ्रांस की क्रांति से जो फ्रांस में प्रभाव पड़ा। पहला देखो, ठीक है, पहला है कि लुई वंश के शासन का अंत हुआ। एक लुई वंश था जिसका शासन था फ्रांस में, तो जब फ्रांस की क्रांति हुई तो ये जो लुई वंश का शासन है इसका अंत हुआ, ठीक है। उसके स्थान पर लोकतांत्रिक शासन की व्यवस्था की गई या स्थापना की गई। जो लोकतांत्रिक शासन है जो जनता के पक्ष में होती है, ठीक है, तो उनकी स्थापना की गई। तो ये पहला परिवर्तन है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लुई वंश के शासन का अंत हुआ और उसके स्थान पर लोकतांत्रिक शासन की स्थापना हुई, ठीक है। ये पहला है फ्रांस में आपका प्रभाव, ठीक है। दूसरा देखो, सरकार द्वारा लोक कल्याणकारी, क्या है, लोक कल्याणकारी कार्य किए गए, जो सरकार है उनके द्वारा लोक कल्याणकारी कार्य किए गए। जैसे आप देख सकते हो सड़क बनवाए गए, पुल कई सारे बनवाए गए, नहर, अस्पताल, बांध, स्कूल आदि का निर्माण किया गया, ठीक है। जैसे जो बच्चे हैं वो स्कूलों में जाकर शिक्षित हो सके, सड़क का निर्माण किया गया कि ज्यादा, जैसे आपके एक गांव से दूसरे गांव में बाजार जाना हो तो सड़कों का भी निर्माण किया गया, अस्पतालों का गांव गांव में निर्माण किया गया। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला देखो, यहां आपका तीसरा जो है, यहां जो फ्रेंच भाषा को राष्ट्रभाषा, जो फ्रेंच भाषा है फ्रांस की भाषा है उसको राष्ट्रभाषा, और फ्रांस फ्रेंच तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज घोषित किया गया। जैसे जो फ्रांस की भाषा है उसको राष्ट्रभाषा और जो फ्रेंच तिरंगा है उसको राष्ट्रीय तिरंगा घोषित किया गया। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि भाई अगर उन्हीं के देश का मतलब तिरंगे को राष्ट्रीय तिरंगा घोषित किया गया और फ्रांस की भाषा को राष्ट्रभाषा भी घोषित किया गया तो ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो ये सारे परिवर्तन हुए, ये सारे प्रभाव हैं। यहां चौथा देख सकते हो कि आंतरिक आयात या निर्यात शुल्क हटा दिए गए। जो आंतरिक आयात और निर्यात शुल्क है उसको हटा दिए गए, ठीक है। साथ ही भार व नाप की एक समान व्यवस्था लागू की गई। जो भार और नाप, ठीक है, इनकी एक समान व्यवस्था लागू की गई, लागू किया गया। ऐसा नहीं कि जो गरीब हैं उनके लिए दूसरा व्यवस्था और अमीर के लिए दूसरी व्यवस्था, नहीं, सभी के लिए एक समान व्यवस्था। जो गरीब हैं चाहे अमीर हों सभी के लिए एक समान व्यवस्था लागू किया गया, ठीक है।
यहां देखो अगला पॉइंट पांचवा है कि शासन जो आपका शासक है, शासक और पादरी वर्ग के विशेष अधिकारों का अंत किया गया। जैसे ये सारे जो वर्ग थे ये राज मतलब राज करते थे, ठीक है, लेकिन इनका अंत किया गया तथा कानून के समक्ष सबको बराबर माना गया और संपत्ति के अधिकारों को सुरक्षित बनाया गया। जो जैसे देखो कानून के सामने सभी को बराबर माना गया, चाहे वो मतलब चाहे जिस वर्ग के हो, चाहे मध्यम वर्ग के हो, चाहे पादरी वर्ग और चाहे निम्न वर्ग के, सभी को मतलब अच्छा माना गया, कानून के समक्ष बराबर माना गया, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये है फ्रांस में प्रभाव, पांच प्रभाव अगर आप ये लिख देते हो एक भी मार्क नहीं कटेगा। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि जो फ्रांस में प्रभाव पड़ा था, ठीक है, तो ये आपका फ्रांस में प्रभाव। अभी हमें क्या समझना है, एक और समझना है, यूरोप पर प्रभाव। तो अब हम लोग समझ लेते हैं यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा। तो अब आप लोग हेडिंग डालिएगा यूरोप पर प्रभाव। तो यूरोप पर कई सारे प्रभाव पड़े, जैसे पहला देख सकते हो यूरोप में भी राष्ट्रवाद को मजबूती मिली और राज्यों का उदय होने लगा। जैसे यूरोप में भी जो राष्ट्रवाद है उसको मजबूती मिली, बहुत ज्यादा मजबूती मिली, ठीक है, और राज्यों का उदय होने लगा, ठीक है, ये है यूरोप पर प्रभाव। यहां दूसरा देख सकते हो लोकतांत्रीय, जो आपका लोकतांत्रीय सिद्धांत को विश्व आधार मिला, ठीक है, जो लोकतांत्रीय सिद्धांत है उनको विश्व आधार मिला तथा सरकार जनता द्वारा और जनता के लिए होनी चाहिए इस विचार पर बल दिया गया, इस विचार को बल दिया गया। जैसे सरकार, जो सरकार है, जैसे जनता अगर वोट देती है तभी सरकार बनता है, तो यहां इस पर बल दिया गया कि सरकार जनता द्वारा, देखो सरकार जनता के द्वारा ही बनाई जाती है, तो सरकार जनता द्वारा और जनता के लिए होनी चाहिए। अगर सरकार जनता के द्वारा बनाई जाती है तो सरकार जनता के लिए होनी चाहिए, जनता का भला सोचना चाहिए, ठीक है, जनता को ज्यादा से ज्यादा लाभ देना चाहिए, ये सारी इस पर बल दिया गया, ठीक है, ये है यूरोप पर प्रभाव, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां तीसरा देख सकते हो कि यूरोप में भी सामाजिक, जो आपका सामाजिक विचारधारा का प्रचार होने लगा, जो सामाजिक विचारधारा है उनका प्रचार होने लगा, जिस कारण जो आपका सामाजिक है, ठीक है, आर्थिक है, राजनैतिक है, समानता के सिद्धांतों पर बल दिया जाने लगा, ठीक है। जैसे सामाजिक जो है, राजनैतिक आपके एंड आर्थिक, समानता के सिद्धांतों पर बल दिया जाने लगा, ये है यूरोप पर प्रभाव हमारा तीसरा। चौथा देखो जो यूरोप पर प्रभाव है वह है यूरोप के जो निरंकुश राजतंत्रों के ने अपने यहां जो क्रांतिकारियों का दमन करना आरंभ कर दिया। तो ये है चार आपके यूरोप पर प्रभाव। अगर आप यूरोप पर और फ्रांस पर दोनों प्रभाव याद कर लेते हो तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आपका बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। नोट्स बना लो, आप लोग नोट्स बनाकर याद करो कि आपका एक भी क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में छूटे ना। ये हमारा पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो बोर्ड परीक्षा में तैयार करके ही जाना है, ठीक है। तो ये आई होप कि आप लोग जान गए होंगे और आप लोग नोट्स बनाकर इसको बार बार याद करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये क्वेश्चन तैयार करके ही बोर्ड एग्जाम में जाना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैंने देखा है कई बार मॉडल पेपर और आपका प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया है। लिखा क्या है कि इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले तीन नेताओं का नाम लिखना है, ठीक है, या फिर इसी प्रश्न को पूछ सकता है इटली के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन करो। जैसे इटली के पूरी एकीकरण प्रक्रिया का वर्णन कीजिए, इन दो प्रकार से यह प्रश्न पूछा जा सकता है। तो मैं आपको पूरा इटली का एकीकरण समझाने वाला हूं, आपको हमेशा याद रहेगा, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि 19वीं शताब्दी में इटली के एकीकरण की प्रक्रिया हुई जो निम्न प्रकार से है, कब हुई ये याद रखना, 19वीं शताब्दी में, ठीक है, 19वीं शताब्दी में जो इटली के एकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई जो निम्न प्रकार से है, हम एक एक को देखने वाले हैं। जैसा पहला देखो, पहला है इस समय, ठीक है, इस समय जो इटली है अनेक वंशानुगत राज्यों वह बहुराष्ट्रीय हैबवर्ग, ठीक है, राज्यों में बिखरा हुआ था। मतलब इटली कई सारे अनेक बहु जो आपका अनेक वंशानुगत राज्यों व बहुराष्ट्रीय हैबवर्ग जो साम्राज्यों में बिखरा हुआ था, बहुत ज्यादा जो इटली बिखरा हुआ था, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो समझो कि 1830 के दशक में जो ज्यूसेप्पे मैत्सिनी, ये याद रखना एक आपके नेता है, ठीक है, इनमें जो भूमिका निभाने वाले, ज्यूसेप्पे मैत्सिनी ने इटली को एकीकृत करने के लिए प्रयास, जो सबसे ज्यादा प्रयास किया, क्या किया, सबसे ज्यादा प्रयास किया, और उसने यंग इटली, ठीक है, नामक गुप्त संगठन स्थापित किया।
ध्यान से समझना क्या कहना चाहता हूं कि 1830 के दशक में जो ज्यूसेप्पे मैथसिनी ने इटली को एकीकृत करने के लिए सबसे ज्यादा प्रयास किया और उसने यंग इटली नामक गुप्त संगठन की स्थापना की। ठीक है, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने की, तो आप याद रखना मैथसिनी, ठीक है, या फिर मैंजिनी, कोई दिक्कत नहीं, दोनों एक है। यहां देखो अगला तीसरा है कि सार्डिनिया पीडमार्ट, जो सार्डिनिया पीडमार्ट के प्रधानमंत्री हैं, ये सार्डिनिया पीडमार्ट के प्रधानमंत्री काबूर, ये दूसरे नेता हैं, तीन नेता का बताया गया है इसमें, तो ये दूसरे हैं कि सार्डिनिया पीडमार्ट के प्रधानमंत्री काबूर ने इटली के राज्यों को संगठित करने के लिए प्रारंभ हुए, मतलब प्रारंभ किया या प्रारंभ हुए, ठीक है, जो प्रारंभ हुए आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया, मतलब जो आंदोलन प्रारंभ किया गया कि इटली को एकीकृत किया जाए, ठीक है, तो उनको समर्थन दिया। लाइक इज यहां आप देख सकते हो कि सार्डिनिया पीडमार्ट के जो प्रधानमंत्री कावूर ने इटली के राज्यों, जो इटली के राज्यों को संगठित करने के लिए प्रारंभ हुए आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया और फ्रांस व सार्डिनिया पीडमार्ट के बीच एक कूटनीतिक संधि की। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। ठीक है, यहां अब हम अगला पॉइंट देखेंगे, जो हमारा अगला पॉइंट है वो देखो, समझना है, सारे पॉइंट्स आपको याद कर लेना है। ठीक है, लिखा क्या है कि आपका 1859 ईस्वी में सार्डिनिया पीडमार्ट ने ऑस्ट्रिया को पराजित किया, जो ऑस्ट्रिया है उसे पराजित किया, ठीक है, एंड इस युद्ध में ज्यूसेप्पे गैरिबाल्डी के नेतृत्व में अनेक सैनिकों ने भाग लिया, ये भी आपके नेता हैं, तो अनेक सैनिकों ने भाग लिया। ठीक है, तो यहां आपको यह समझ लेना है कि जो 1859 में सार्डिनिया पीडमार्ट ने ऑस्ट्रिया को पराजित किया, किसको पराजित किया, ऑस्ट्रिया को, याद रखना ये ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया को पराजित किया, और इस युद्ध में जो ज्यूसेप्पे गैरिबाल्डी के नेतृत्व में अनेक सैनिकों ने भाग लिया, इनके नेतृत्व में बहुत सारे सैनिकों ने भाग लिया। ठीक है, फिर यहां हमारा लास्ट नंबर पॉइंट है, पांचवा, इतना याद कर लेना बस, कि 1861 ईस्वी में विक्टर इमैनुअल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया और 1870 ईस्वी यह जो है एकीकरण पूर्ण हुआ। ठीक है, तो यह समझ में आया, यहां क्या कह रहा है कि 1861 में विक्टर इमैनुअल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया और यह 1870 ईस्वी में यह एकीकरण पूर्ण हुआ। तो 1870 ईस्वी में जो आपका इटली का एकीकरण है यह पूर्ण हुआ था। तो यह हमारा है पांच नंबर पॉइंट, और इतना अगर आप इटली के एकीकरण में याद करके जाते हो तो आपको फुल मार्क मिलेगा। ठीक है, ये आपके मेन पॉइंट हैं जो आप लिख दोगे तो एग्जामिनर पढ़ेगा तो समझ जाएगा बच्चे ने पढ़ाई किया है और हाँ अच्छे अच्छे पॉइंट्स को लिख दिया है। तो ये हमारे हैं इटली के एकीकरण, आप ये दो प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है तो ये याद रखना। ठीक है, तो ये हमारा है इटली का एकीकरण। ओके, तो आई होप कि आप लोगों को इटली का एकीकरण पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे जो हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी का, ये है कि कृषि, जो कृषि उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय आपको सुझाइए। ठीक है, यानी कि जो कृषि उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय आपको समझाना है। ठीक है, जो सरकार के द्वारा उपाय किए गए हैं कि जो आपकी कृषि उत्पादन में वृद्धि हो सके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां छोटा सा लिखना है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, जो कि सभी स्टूडेंट को पता है। देश के 60% से भी अधिक लोगों को आजीविका प्रदान करने वाली कृषि में कुछ आपके जो आपका संस्थागत तथा प्रौद्योगिक सुधार किए गए हैं जो निम्नलिखित हैं। 60% से भी ज्यादा जो जनता है या फिर 60% से भी ज्यादा या फिर अधिक लोगों को जो आपका आजीविका प्रदान करने वाली जो कृषि है उसमें कुछ मतलब परिवर्तन, यानी कि कुछ संस्थागत तथा आपके जो आपका प्रौद्योगिकी, ठीक है, सुधार किए गए हैं जो निम्नलिखित हैं, जो सरकार के द्वारा सुधार किए गए हैं, सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, जैसे पहला देखो, पहला जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, जो जमींदारी प्रथा है उसका उन्मूलन किया गया। जैसे देख सकते हो किसान, जो किसानों के लिए जमींदारी प्रथा एक अभिशाप थी, क्या थी, अभिशाप थी, जो जमींदारी प्रथा थी एक अभिशाप थी, इसलिए सरकार ने जमींदारी प्रथा को समाप्त करके भूमिहीन कष्टकारों को जमीन का मलिकाना हक दे दिया।
ठीक है, जो भूमिहीन कसतकारों को जमीन का मालिकाना हक दे दिया, मालिक हो गए जो जमीन के थे, ठीक है, तथा जोतों की अधिकतम सीमा निश्चित कर दी गई। ओके, तो ये पहला है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। दूसरा आपको समझना है खेतों की चकबंदी, जो खेतों की चकबंदी है। पहले जो था किसानों के पास छोटे छोटे खेत थे, पहले क्या होता था जो किसान हैं उनके पास बहुत छोटे छोटे खेत होते थे जो आर्थिक रूप से गैर लाभकारी होते थे, जो आर्थिक रूप से बहुत गैर लाभकारी होते थे, कहीं छोटा सा खेत यहाँ है, कहीं 2 किलोमीटर दूर है, ऐसे करते थे तो वो उतना अच्छे से खेती नहीं कर पाते थे, इसलिए छोटे छोटे खेतों की चकबंदी कर दी गई, चकबंदी कर दी गई और इकट्ठा खेत दे दिया गया, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है खेतों की चकबंदी। तो पहले किसानों के पास क्या होता था, छोटे छोटे खेत होते थे जो आर्थिक रूप से गैर लाभकारी थे, इसलिए छोटे खेतों की चकबंदी कर दी गई। फिर अगला पॉइंट आप लोग समझो, अगला पॉइंट है हरित क्रांति। हरित क्रांति में देखो कि सरकार ने किसानों को अधिक उपज देने वाले बीज उपलब्ध करवाए। जैसे सरकार सोचती है कि किसानों का अधिक से अधिक उत्पादन हो, क्योंकि किसान के द्वारा ही सभी को भोजन मिलता है, ठीक है। तो यहां इसीलिए सरकार ने किसानों को अधिक उपज देने वाली बीज उपलब्ध करवाए, ठीक है, जिससे कृषि विशेषकर गेहूं की कृषि में क्रांतिकारी परिवर्तन आया, इसे हरित क्रांति का नाम दिया गया। जो गेहूं है, गेहूं की खेती में क्रांतिकारी परिवर्तन आए, इन्हें हम लोग हरित क्रांति का नाम दिया गया। ये हमारा है तीसरा नंबर पॉइंट। चौथा नंबर पॉइंट आपको समझना है, ये क्या है कि प्रमुख सिंचाई परियोजना का निर्माण, जो प्रमुख सिंचाई परियोजना का निर्माण, तो किसानों को पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं जो थी उपलब्ध कराने के लिए कई छोटे छोटे या छोटी बड़ी सिंचाई परियोजना शुरू की गई। मतलब जब किसानों की सिंचाई में काफ़ी ज़्यादा कठिनाई होने लगी, समस्याएं उत्पन्न होने लगी, तो मतलब कई सारे किसानों को पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कई छोटी बड़ी सिंचाई परियोजना शुरू की गई, ताकि इस परियोजना के द्वारा किसान अपने खेतों की सिंचाई कर सके, ठीक है, उसका फसल खराब ना हो। तो ये है हमारा चौथा नंबर पॉइंट। अब हम लोग देखेंगे अगला पॉइंट है सरकारी संस्थाएं। सरकारी संस्थाएं जो किसानों के लिए हैं, ठीक है, जो कृषि की उत्पादकता बढ़ा सकती है, जैसे किसान को कम ब्याज पर ठीक है, ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण बैंकों सहकारी समितियों और बैंकों की स्थापना की गई। देखो जो ग्रामीण बैंक हैं उनकी स्थापना की गई, ताकि जो किसान है यहां से कम ब्याज पर ऋण ले सके और अपने खेत है ना उसको मतलब भरपूर सब कुछ दे सके, उसकी बुआई कर सकें, उसकी जुताई कर सकें, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सरकारी संस्थाएं हैं जो सरकार के द्वारा प्रोवाइड किया गया है किसानों को। या अगला देखो, किसानों के लाभ के लिए भारत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना शुरू की। मतलब किसानों के लाभ के लिए सारी चीजें की गई हैं कि किसान क्रेडिट कार्ड और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना की गई, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे पॉइंट से याद रखना। यहाँ अगला है कि खेती में आधुनिक उपकरणों के प्रयोग पर बल दिया जाने लगा, इससे उत्पादन में वृद्धि हुई। आधुनिक मतलब जहां 2-3 घंटे में खेत जोते जाते थे, वहां अब 5-10 मिनट में वो काम खत्म हो जाता है। तो यहां से जब टाइम बचेगा तो आप कहीं और टाइम इन्वेस्ट करोगे तो आपको लाभ मिलेगा। तो ये सारे हैं आपको इस क्वेश्चन के, जो आपका ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, उसमें आपको इतना सारा लिखना है, ठीक है। फिर आपको सरकारी संस्थाएं लिखना है, फिर आपका ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आप ऐसा लिखोगे तो आपको एग्जामिनर फुल मार्क्स देगा, एक भी मार्क आपका नहीं काटेगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये सारे आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करके ही बोर्ड परीक्षा में जाना, क्योंकि ये सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये हमारा है तीसरा नंबर। अब हम लोग देखेंगे जो चौथा नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। यहां हमारा जो चौथा नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देख सकते हो, लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करता है। जैसे जो लोकतंत्र है वो किस प्रकार या किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करता है, या फिर इसी क्वेश्चन को इस प्रकार से पूछता है कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली से होने वाले कोई 4 लाभ लिखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा इस प्रकार से ज्यादा पूछा जाता है, इस प्रकार से ज्यादा पूछा जाता है कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली से होने वाले 4 लाभ लिखिए। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करती है।
ठीक है, निम्नलिखित तथ्यों से इसे समझा जा सकता है, समझा जा सकता है। जैसे पहला देखो, ठीक है, इससे हमें कौन कौन से लाभ हो सकते हैं। ठीक है, देखो पहला, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव। ठीक है, यहां आप देख सकते हो सभी लोकतांत्रिक देशों में, सभी लोकतांत्रिक देशों में, ठीक है, जहां लोकतंत्र की स्थापना है, देशों में एक निश्चित अवधि के बाद चुनाव कराए जाते हैं, एक निश्चित अवधि के बाद चुनाव कराए जाते हैं। जैसे आप देख सकते हो कि मतलब कोई भी चुनाव है तो एक बार जब चुनाव कोई जीत जाता है तो कुछ बहुत सालों के बाद, 4-5 साल के बाद चुनाव फिर से कराए जाते हैं। ठीक है, तो यही कहा जाता है कि एक निश्चित अवधि के बाद चुनाव कराए जाते हैं। सभी दल जो है ना, सभी दल स्वतंत्र रूप से अपने उम्मीदवारों को खड़ा कर सकते हैं। सभी दल, कोई भी दल है वो अपने उम्मीदवारों को खड़ा कर सकता है स्वतंत्र रूप से, और मतदाता अपनी इच्छा अनुसार किसी को भी चुन सकते हैं। मतदाता जो है अपनी इच्छा के अनुसार किसी को भी चुन सकते हैं। ये प्रतिनिधि जो है जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ये प्रतिनिधि जो जीतते हैं चुनाव वो जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ये पहला हमारा है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, ये लोक जो आपका लोकतांत्रिक शासन से होने वाली लाभ है, तो पहला लाभ है। ठीक है, ये याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हेडिंग्स तो आप याद रखना, अगर आपको हेडिंग्स याद है तो आप कुछ ना कुछ लिख कर आओगे बोर्ड परीक्षा में। दूसरा आप समझो कि कानून पर खुली चर्चा, जो कानून है उस पर आप खुली चर्चा भी कर सकते हो। जैसे लोकतांत्रिक देशों में, जो लोकतांत्रिक जहां लोकतंत्र की स्थापना है, देशों में सरकार, सरकार जो भी कानून बनाती है, जो भी कानून बनाती है, जो सरकार है वो कोई भी कानून बनाए तो वह एक लंबी प्रक्रिया के बाद बनाता है, एक लंबी प्रक्रिया होती है, उनकी ट्रेनिंग होती है, सारी चीजें होने के बाद उन्हें कानून बनाया जाता है। ठीक है, तो एक लंबी प्रक्रिया के बाद बनता है और उस पर पूरी बहस तथा विचार विमर्श किया जाता है, पूरी विचार विमर्श और बहस किया जाता है, तब उन्हें कानून बनाया जाता है, फिर उसे जनता के समक्ष रखा जाता है, फिर उसे जनता के समक्ष रखा जाता है कि वो जनता के लिए हमेशा अच्छा सोचे और जनता के पक्ष में हो। ठीक है, तो ये हमारा है कानून पर खुली चर्चा। ओके, ये सारे हैं लोकतांत्रिक शासन प्रणाली से होने वाले लाभ, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट लाभ हैं। अगला देखो, तीसरा सूचना का अधिकार, जो सूचना का अधिकार है, देखो लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों को सरकार तथा कामकाज के बारे में जानकारी पाने का अधिकार प्राप्त है। देखो जो सरकार कौन सी काम कर रही है, क्या कर रही है, ये नागरिक जान सकता है, ये इनका अधिकार है। तो जो लोकतांत्रिक देशों में जो नागरिक है, नागरिक की सरकार तथा कामकाज, जो सरकार है तथा उनके कामकाज के बारे में जानकारी पाने का अधिकार है, और जानकारी पाते भी हैं सभी लोग। ठीक है, यदि कोई नागरिक यह जानना चाहे कि फैसले लेने में नियमों का पालन हुआ है या नहीं, इसका पता कर सकते हैं, इसका पता कर सकते हैं, सूचना का अधिकार आपको मिलेगा। आप देख सकते हो न्यूज के द्वारा भी आपको मिल जाता है सूचना। ठीक है, और हर जगह से आप ले सकते हो क्या सरकार कर रही है, ये हमारे लिए लाभदायक है या हानिकारक है, सारी चीजें पता कर सकते हो। तो ये हमारा है सूचना का अधिकार। ठीक है, ये हमें जो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का तीसरा लाभ है। अगला हम देखते हैं चौथा, जो कि लास्ट है, चौथा लाभ आप लोग समझो, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि जवाबदेह सरकार का गठन, जो जवाबदेह सरकार का गठन। ठीक है, यहां देखो लोकतांत्रिक जो है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक ऐसे सरकार का गठन होता है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक ऐसी सरकार का गठन होता है जो कायदे कानून को मानती है, जो कायदे कानून को मानती है, कानून को मानता है और लोगों के प्रति जवाबदेह होता है, लोगों के जवाब को दे, कोई भी जनता, जनता कोई भी सवाल पूछे तो उसका जवाब दे। ठीक है, तो लोगों के प्रति जवाबदेह होता है। इस प्रकार लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था निश्चित रूप से अन्य शासनों से बेहतर है। इस प्रकार की जो है शासन व्यवस्था निश्चित रूप से जो अन्य शासनों से बेहतर है, और यह वैध शासन व्यवस्था इसलिए पूरी दुनिया में लोकतंत्र के विचार के प्रति समर्थन का भाव है। ठीक है, तो ये चार लाभ हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लोकतंत्र के लिए। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन, ये चार आपसे पूछा था कि चार लाभ बताइए, या फिर अगर इस टाइप से पूछे तो आप ये चार लिखकर आना, एक भी नंबर नहीं कटेगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत मेहनत किया गया है, तो आप लोग लाइक जरूर करना, ठीक है, शेयर भी करना फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी अपनी तैयारी कर सके। सारे सामाजिक विज्ञान के लॉन्ग क्वेश्चन कराए, जो आप लोगों के बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, केवल वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ।
अगर आप चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत है कमेंट कर सकते हो, ताकि हम आप लोगों के कमेंट को देखकर आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बना सकें। ठीक है, तो ये है हमारे सामाजिक विज्ञान का जितने भी महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। अगर आपको लघु उत्तरीय प्रश्न का वीडियो चाहिए तो कमेंट करना। ठीक है, इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।